अभी कामनी बहन आकर अपना अनुभव सुनाएंगे, जो फतेहपुर सेवा केंद्र से आए कामनी बहन। ओम शांति। हमको ज्ञान में आए लगभग 6 साल पूरे हो रहे हैं और अभी मेरा तो फार्म भी भर गया है वहाँ मधुबन में। दादी के निमित्त दादी आज मुझसे पूछ रही थी कि तू कहाँ रहती है, तेरा क्या नाम है, कितने साल हो गए तुझको यहाँ आए। तो दादी के ही थ्रू मेरा फार्म भरा गया और उन्होंने मुझे बैच दिलवाने के लिए फाइल कंप्लीट कराई, साइन किया। तो आज मैं दादी के सामने फिर से बता रही हूँ कि दादी मेरे 6 साल पूरे हो रहे हैं और ज्ञान में मेरे परिवार में सभी लोग चलते हैं। मेरी एक बड़ी बहन जो है सीतापुर में है, 17 सालों से लगभग वो ज्ञान में चल रही है समर्पित रूप से, वो भी टीचर हैं। और यहाँ आने का मेरा संकल्प यही हुआ कि नहीं भगवान की मुझे सेवा करनी है। कुछ भी हो, घर में सभी लोग ज्ञान में चल रहे थे लेकिन मेरा आना संभव नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि एक तो बेटी चली गई है लेकिन दूसरी बेटी ना जाए यहाँ, फिर भी। लेकिन हमने अपने आप को मजबूत बनाया, किसी का सपोर्ट नहीं था, ना बहन का, ना भाई का, ना माँ का, ना पिता का, किसी का सपोर्ट नहीं था। हाँ, लेकिन बाबा से बहुत अच्छे अनुभव होते थे घर में, जब मुरली पढ़ते थे, योग करते थे, तो काफी बाबा से ही योग लगाने में, मुरली पढ़ने में बहुत अनुभव होते थे। मुरली में मजबूत बनाने की जो पॉइंट्स आती थी उनसे ही मजबूत बनते थे, क्योंकि घर में हम किसी से कुछ कह नहीं पाते थे, छोटे थे तो किसी से नहीं कह पाते थे, सबसे छोटे थे घर में। ना हम भाई से कह सकते थे, ना माँ से बता पाते थे, ना पिताजी से। तो शादी की भी बात आई, तो जब शादी की बात आई तो हमने डायरेक्टली माँ से तो कह दिया था कि हमको शादी नहीं करनी है, हम ज्ञान में ही चलेंगे, दीदी जैसा बनेंगे। तो माता जी भी नहीं हमारी बोल पाती थी घर में किसी से, तो लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया, यही कहा बाबा से कि बाबा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे आप अपनी गोद में ले लो, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकाल लो। तो शादी के लिए बिल्कुल जब मेरा रिश्ता संबंध तय होने जा रहा था, जिस दिन बिल्कुल फाइनल होना था कि नहीं अब सब कुछ हो गया है, डेट फिक्स करनी है कब शादी होगी, सेंटर में ही आके तय होनी थी शादी, वहां ही सब लोग ज्ञान में चलते थे वो लोग भी, तो यही था कि नहीं ठीक है दोनों परिवार ज्ञान में चलते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको भगवान की सेवा करना है, अगर मैं बंधन में बंध जाऊंगी तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं भगवान की सेवा के लिए निकल नहीं सकती हूं, वो तो परिवार का बंधन है, इच्छा अनुसार भगवान की सेवा नहीं कर सकती हूं। तो फिर मेरे बड़े भैया हैं जो घर में, उनसे कोई नहीं कुछ कह सकता है, डायरेक्टली मैंने उनसे कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, आप बेकार में वहां जा रहे हैं, मत जाइए। तो काफी फिर उन्होंने आवेश में आकर हंगामा किया, खूब डांटा माता जी को भी, हमको भी, सबको, माना सारे लोगों को उनका, क्योंकि घर में दबाव है। लेकिन फिर भी शांत होकर सुनते रहे और फिर एक दिन बहाने से, क्योंकि कंप्यूटर सीखने जाते थे तो कंप्यूटर सीखने के बहाने से सेंटर चले गए, कपड़े वपड़े पहन के, सारा सा छोटा सा बैग, उसमें लैपटॉप डाल के चले गए सेंटर। फिर वहां से दीदी ने बताया, किसी से बता के आई, हमने कहा नहीं किसी से बताया नहीं है, चुपचाप चले आए क्योंकि आने को नहीं मिलता यहाँ। फिर दीदी ने बताया तो फिर रहने लगे, फिर भी थोड़ा बहुत बंधन आते रहे, वहां सेंटर सब लोग जाते रहे बुलाने के लिए, लाने के लिए। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, हमको नहीं रहना है, अगर हमको रुकना पड़ेगा, हमको शादी करनी पड़ेगी तो हम मर जाएंगे, हमको शादी नहीं करनी है, या तो मेरा मरा मुंह देखो या तो शादी, तो शादी तो मैं नहीं करूंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी। लेकिन तो फिर ये हुआ कि नहीं ठीक है छोड़ दो उसे, फिर हम चले आए तो निश्चिंत रूप से रहने लगे। और आज यहाँ 3 दिन का जो योग रखा गया, योग भट्टी, इसमें अच्छा बहुत लगा, क्योंकि सभी बड़ी बड़ी दीदियां हैं, बड़ी बड़ी हमारी बहने हैं, इनके साथ मिलके, इनके साथ योग करके, क्योंकि ऐसा मौका हम लोगों को कभी नहीं मिला आज तक। आज मेरी पहली ये भट्टी है,
हम मधुबन में भी अभी तक भर्ती नहीं किए हैं और वैसे तो सेंटरों पे जो भी प्रोग्राम होते हैं कर लेते हैं, लेकिन ये जो दीदियों के साथ, दादी जी के साथ, वरिष्ठ भाई जी के साथ आज जो भट्टी का अनुभव हुआ बहुत अच्छा हुआ। ऐसा मुझे लग रहा था कि आज मैं अपने घर में आई हूँ और मेरा ये सारा परिवार है, इतनी बड़ी बड़ी दीदियां हैं, इन सबके बीच में मैं रहने आई। मुझे ये नहीं पता है कि नहीं, एक दिन ऐसे ही बाबा के पास मैं आके बैठी तो इसमें लाइट का कोई कनेक्शन है क्या, सेटिंग है कोई लाइट चेंज होने की? नहीं है। अपने आप मुझे बैठते ही योग में बैठे भी नहीं, आके बस बैठ के जैसे ही बाबा का चित्र देखा, खुली आंखों से जैसे ये लाइटें दिख रही हैं, कई तरह की लाइट चेंज हो रही थी। तो हमने सोचा भाई जी वहां से बैठे चेंज कर रहे हैं, फिर हम इधर उधर कर रहे हैं, फिर मुझे लाइट दिख रही है, तो कई तरह की माना लाइट इतने में आ रही थी। एकदम से रेड कलर हो रहा था, एकदम से पिंक कलर हो रहा था, येलो कलर हो रहा था, ब्लू हो रहा था, मतलब बहुत सारी लाइट चेंज हो रही थी। तो मुझे इतना अंदर से आ रहा था कि मुझे ही दिख रहा है कि सबको दिख रहा है। फिर मैंने एक दीदी से भी पूछा कि ये चेंज हो रहा है अपने आप है कि सेटिंग है, तो दीदी बता नहीं पाई। लेकिन बहुत अच्छा मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि ये साक्षात्कार क्या होता है, बाबा कैसे दिखता है, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं आज तक। हाँ, योग का अनुभव बहुत है मुझे बाबा से प्यार भी बहुत है, लेकिन ये जो यहाँ अनुभव हुआ योग के वाइब्रेशन से, सभी लोगों के योग का जो संगठन था उससे मुझे यहाँ ये बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं इसको बहुत याद करती हूँ कि पहली बार मुझे अनुभव ऐसा हुआ है। नहीं कि सब लोग कहते हैं मुझे बाबा की लाइट आई, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, हम कहते थे मुझे कभी लाइट नहीं आती है, मुझे कभी कुछ नहीं दिखता है, पर पता नहीं सबको कैसे दिखता है। पर उस दिन यही अनुभव हुआ तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, कितना अच्छा यहाँ का वायुमंडल है, कितना अच्छा, मना ना कोई व्यर्थ है, ना इधर उधर है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। और कई कई तरह से कमेंट्री करा करके जो दीदी लोग हमारे यहाँ योग करवाती रहीं, तो बहुत अच्छी अवस्था बनती रही, बहुत अच्छा महसूस होता रहा, बिल्कुल स्वरूप में स्थित हो जाते थे, भूल जाते थे कि नहीं शरीर में है। अच्छा, ओम शांति।